how the Mughal authority assigned the ranks to different mansabdars. Okay, किस तरह से उनकी ranking होगी, किस तरह से इनकी salary जो है, उनकी military responsibilities क्या होगी, all these things are defined by the mansabdar system. Mansabdar system के according इसे define किया जाता था. In today's topic, we are going to discuss about zabt and zamindars. What are zabt and what are who are zamindars? कि zamindars कौन है? Open your textbooks here. Page number 52. The main source of income available to Mughal rulers was tax on the produce of its produce of the peasantries. Now what happens? हमने last class में भी discuss किया कि जो king है या rulers जो हैं, उनके पास जो tax है, वो कहाँ से आएगा? Indirectly from the peasants. Peasants का जो production है, जो भी वो crop eat करेंगे, उसका कुछ portion जो है वो उन्हें as a tax ruler को या king को देना पड़ता था, ठीक है? Which is known as land revenue. Okay, so mostly कहाँ से आएगा जो tax है, या फिर जो भी उनका empire है, उसके खर्चे या उनकी जो military soldiers हैं, उनकी salaries कहाँ से दी जाएगी? ये सारा revenue या tax जो है वो peasant से वसूला जाता था, उनसे लिया जाता था. In most places, peasants paid taxes through the rural elites, that is the headmen or the local chieftains. The Mughals used one term, zamindars, to describe all intermediaries, whether they were local headmen or villages or powerful chieftains. Now, what happens, students? In the last class, I have told you that कोई भी village है, just suppose ये village है, okay? तो इनमें जो दलित है या हम कहें ऐसे ऐसे लोग जिनका सोसाइटी में जो स्टेटस है वो काफी लो है, या फिर दलित वर्ड भी अगर हम यूज करेंगे, तो जो ब्राह्मण्स होते थे या जो रूरल इलाइट्स यानी जो रईस लोग होते थे, उनके पास क्या होगी? जमीन होगी. लैंड किसका होगा? जो हायर स्टेटस वाले जो लोग हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, वेल्दी पर्सन है, दे विल हैव दीस लैंड, उनके पास जमीन है. अब बच गए कौन? ये दलित. जो दलित लोग हैं उनके पास क्या होता है? लैंड नहीं है, तो ये खेती कहाँ पे करेंगे? ऑब्वियसली इनको भी क्या चाहिए? अपनी लाइवलीहुड के लिए कुछ ना कुछ काम करना है. तो नाउ व्हाट दे डू एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस ऑन द लैंड्स ऑफ दीस रूरल एलाइट्स. ठीक है, कोई लोकल चीफ्टन है या रईस लोग है, जो भी है जिनके पास लैंड है, उनके ऊपर जो भी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है वो ये रूरल एलाइट्स नहीं करेंगे. यानी जो रईस लोग है या ब्राह्मण्स जो है, जिनका ये लैंड है, जितना ये खेत है, वहां पर वो खुद खेती नहीं करते, वो किससे खेती करवाते हैं? इन दलित से, या वो लोग जो जिनका स्टेटस सोसाइटी में क्या है? लो, ठीक है, जो लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं. तो इन लोगों का काम क्या हुआ? यहाँ पर खेती करना, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस करना. लेकिन इन्हें इनमें से ये जो पूरा जो भी क्रॉप यील्ड होगी, यहाँ पे जितनी भी अनाज होगा, फसल होगी, ये डायरेक्टली किसको जाएगी? उस लोकल चीफ को जिसका की ये लैंड है, जिसकी ये जमीन है. इसमें से कुछ पोर्शन ये एज अ लैंड रिवेन्यू किसको दे देता है? रूलर को. अब बचे कौन? दलित. अब इनको भी तो टैक्स पे करना पड़ता है, तो इनका टैक्स भी कौन देता है? ये गवर्नर, ये जो लोकल चीफ्टन है, यही क्या करेगा? इनका जो टैक्स होगा, इनके हिस्से का जो टैक्स होगा, वो भी एज अ लैंड रिवेन्यू किसको दे देगा? किंग या रूलर. इसका मतलब ये जो पर्सन है, जो लोकल चीफ्टन है या रूरल एलाइट है, इसके थ्रू इन दलित ने या जो पीजेंट्स है, इन्होंने क्या किया? अपना टैक्स भी पे कर दिया. इसके थ्रू ये काम इसके लिए कर रहे हैं, तो इसी में इनका जो हिस्सा होगा, इनका जो पोर्शन होगा इस क्रॉप में, ये जो अनाज यहाँ से प्रोडक्शन हुआ, इसमें से इसी में से ये क्या करेगा? इनका भी टैक्स जो है पे कर देगा. इसका मतलब ये जो पर्सन है, इट विल वर्क एज एन इंटरमीडिएट. ये क्या काम करेगा? इंटरमीडिएट का काम करेगा इस किंग के और इन दलित के बीच. ओके, और इन्हीं इंटरमीडिएट्स को जो मुगल एम्पायर है, उसमें क्या नाम दिया गया? जमींदार. इन्हें क्या कहा गया? जमींदार कहा गया. टू डिस्क्राइब ऑल इंटरमीडिएट्स, वेदर दे वर लोकल हेडमेंस ऑफ विलेजेस और पावरफुल चीफ्स. या तो वो जो लोकल विलेज है उसके हेडमेंस हो सकते हैं, यानी कोई रूरल इलाइट, यानी कोई बड़ी जिसके पास प्रॉस्पेरस है, जो वेल्दी पर्सन है, वो हो सकता है, या फिर कोई पावरफुल चीफ्स भी हो सकता है. ठीक है, तो दीस पर्सन जो इंटरमीडिएट का काम कर रहे हैं, दीस वर नोन एज जमींदार. ओके, अंडरस्टूड? अरे
Yes, ma'am. ना जमींदार टर्म हमने पढ़ ली, ना कमिंग टू द जब्त। अब ये जब्त क्या होता है? अकबर्स रेवेन्यू मिनिस्टर टोडरमल कैरेड आउट अ केयरफुल सर्वे ऑफ क्रॉप्स प्राइसेस एंड एरियाज कल्टीवेटेड फॉर अ 10th ईयर पीरियड फ्रॉम 1570 टू 1580। नाउ व्हाट हैपेंस, एज वी हैव डिस्कस्ड इन द अर्लियर टॉपिक्स आल्सो, कि अकबर का जो रीजनल था उसमें हर चीज बहुत ही परफेक्शन और बहुत ही केयरफुली सर्वे करने के बाद होती थी। ठीक है, जैसा हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था जात रैंक के। ठीक है, तो अकबर के पास कितने मनसबदार थे? 29, जबकि औरंगजेब के पास कितने थे? 79। तो इनकी मेंटेनेंस भी बहुत ही हम कह सकते हैं डिफिकल्ट टास्क था, जिसको अकबर ने बहुत ही बखूबी किया, बहुत ही अच्छे से किया, यानी मेंटेन, या हम कह सकते हैं जितना भी इनका मेंटेनेंस था, जो सपोर्ट था, वो बहुत अच्छे से किया। सिमिलरली जो ये सिस्टम आया जहाँ लैंड रेवेन्यू की बात होती है, जहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करना होता है, तो अकबर के रेवेन्यू मिनिस्टर कौन थे? टोडरमल। इन्होंने क्या किया, 10 साल तक जो इनका एम्पायर है उस पर सर्वे किया। क्या सर्वे किया? कि किस पोर्शन में, यानी किस जगह पर कितनी क्रॉप्स होंगी, यानी कौन सी क्रॉप्स होगी, कौन से अनाज का जो पैसा है वो ज्यादा मिलेगा, किसके प्राइसेस हाई होंगे, किसके लो होंगे, कौन से सीजन में किस एरिया में अच्छी क्रॉप्स होंगी और किस एरिया में नहीं होगी, इन सब का जो सर्वे है, यानी बहुत अच्छे से बारीकी से सर्वे किया गया, और इसके लिए उन्हें लगे पूरे 10 ईयर्स। ठीक है, अब इस सर्वे का नतीजा क्या हुआ? इससे क्या हुआ कि हर एक एरिया का जो टैक्स था वो फिक्स कर दिया गया, कि यहाँ से इतना टैक्स हमें मिल सकता है, यानी एस्टिमेशन उन्होंने लगाया, एक गेस लगाया उन्होंने कि यहाँ पे अगर इस जगह पे अगर वीट की कल्टीवेशन हो रही है तो इस ईयर में हमें इतना जो टैक्स है यहाँ से हम लोग ले सकते। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड 10 ईयर का टाइम पीरियड कहाँ से कब तक था? 1570 से 1580 तक जो टोडर मल थे रेवेन्यू मिनिस्टर ऑफ अकबर, उन्होंने क्या किया? सर्वे किया क्रॉप यील्ड्स का और जो प्राइसेस थे इनका भी, कि किस एरिया में, किस पर्टिकुलर एरिया में कितना टैक्स हमें लेना चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ दिस डाटा टैक्स वाज फिक्स्ड ऑन ईच क्रॉप इन कैश। अब जो यहाँ से रेवेन्यू लिया जाता था वो कैश के फॉर्म में लिया जाता है, यानी पैसों के फॉर्म में लिया जाता था। ओके, तो हर एक क्रॉप की जो टैक्स है वो फिक्स हो गया था। Each province was divided into revenue circles with its own schedule of revenue rates for individual crops. This revenue system was known as ZAB. Yani har ek province, yani har ek area, har ek region jo hai, ek revenue circle mein divide kar diya gaya tha, jiske revenue rates kya thi? Alag alag crops ke liye, individual crops ke liye kya thi? Different. Theek hai, aur isi revenue system ko kya kaha gaya? ZAB. Okay, you can write its definition from here. Each province was divided into revenue circles with its own schedule of revenue rates for individual crops. This revenue system was known as ZAB. Okay, understood? We have discussed the two terms, zamindars and ZABT also. It was prevalent in those areas where Mughal administration could survey the land and keep very careful accounts. This was not possible in provinces such as Gujarat and बंगाल। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस, मुगल एम्पायर बहुत ही वास्ट था, बहुत ही ज्यादा एरिया में फैला हुआ था मुगल एम्पायर। तो जो दूर दराज के इलाके थे जैसे गुजरात और बंगाल, यहाँ पर ये जो जब्त सिस्टम है, यानी जो इसका टैक्स का जो भी लेखा जोखा है, ये रखने में दिक्कत आती थी, क्योंकि बहुत दूर का इलाका था, यहाँ से टैक्स कलेक्ट करना, उसका सर्वे करना, उसके अकाउंट्स को केयरफुली मैनेज करना, इट वाज अ डिफिकल्ट टास्क। तो जैसे गुजरात और बंगाल का एग्जांपल यहाँ पे दिया है कि यहाँ पर ये जो जब्त सिस्टम था इसे लागू करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल था। ओके, यानी यहाँ पर जहाँ मुगल एडमिनिस्ट्रेटर्स की जो हम कह सकते हैं कि कमान जहाँ कमजोर हो जाती है, यानी दूर के एरिया में जहाँ पे ये सर्वे नहीं कर पा रहे, वहां पर टैक्स लेना या लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना थोड़ा इम्पॉसिबल। ओके, इन सम एरियाज द जमींदार एक्सरसाइज अ ग्रेट डील ऑफ पावर। Now what happens? अभी जैसा हमने discuss किया कि जो distant areas हैं, जो बहुत दूर दराज के इलाके हैं, जहाँ पर ये जो ZABT system है, ये लागू नहीं हो पाता या properly manage नहीं हो पाता, तो वहाँ पर जो जमींदार हैं, जो wealthy persons हैं, जो rural elites हैं, जो nobles हैं, इनके पास क्या होती है? Finally power आ जाती है।
ठीक है, द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मुगल एडमिनिस्ट्रेटर्स कुड ड्राइव देम टू रिबेलियन. नाउ व्हाट हैपेंस अगर मुगल एडमिनिस्ट्रेशन इन पे क्या करेगा, एक्सप्लॉयटेशन करेगा, इनका शोषण करेगा, तो इससे क्या होगा, ये जो जमींदार है दे आर आल्सो वेल्दी पर्सन, दे आल्सो हैव मिलिट्रीज, तो दे कैन स्टार्ट अ मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट द मुगल अथॉरिटी. यानी जो मुगल्स हैं उनके अगेंस्ट क्या कर सकते हैं, ये रिबेल भी कर सकते हैं. यानी इतने पावरफुल हो जाते हैं जमींदार कौन से एरियाज में, जो दूर के एरियाज है जहां पर मुगल एडमिनिस्ट्रेशन का इतना अच्छा कंट्रोल नहीं है. Sometimes zamindars and peasants of the same caste allied in rebellion against Mughal authorities. कई बार क्या होता है, जो जमींदार हैं और जो peasants हैं, जो same caste से belong करते हैं, they allied. यानी कि ये एक साथ मिलकर एक team बनाकर क्या करते हैं, Mughal authority के against rebel कर देते हैं. क्योंकि उनके साथ क्या होता है, exploitation. These peasant revolts challenged the stability of the Mughal empire from the end of the 17th. ये जो पीजेंट रिवॉल्ट हुए, यानी जो किसान थे उन्होंने बगावत करना शुरू कर दिया, उन्होंने विद्रोह करना शुरू किया, तो ये क्या हुआ, मुगल एम्पायर के लिए एक चैलेंज बन गया. क्योंकि अगर रिबेल चलता रहेगा या वॉर चलती रहेगी तो ऑब्वियसली किसी भी एम्पायर में स्टेबिलिटी नहीं आएगी, वहां खुशहाली नहीं होगी, वहां पे जो भी वर्क है वो जैसे पॉलिटिकल वर्क या एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क वो प्रॉपरली नहीं हो पाया. तो ये इनस्टेबिलिटी कब आई, 17th सेंचुरी के एंड तक, जहां औरंगजेब की जो रीच्ड है, जहां एंड होता है, उसके बाद से मुगल एम्पायर जो है हम कह सकते हैं कि डगमगाने लग गया था. ओके, क्योंकि जो जमींदार्स है दे बिकेम पावरफुल इन सम एरियाज, कुछ एरियाज में जो जमींदार्स है वो पावरफुल हो गए थे एंड विद द सपोर्ट्स ऑफ पीजेंट्स दे स्टार्टेड रिबेलिंग, उन्होंने रिबेलिंग करना स्टार्ट कर दिया. अकबरनामा एंड आईन ए अकबर, इट इज अ नेम ऑफ अ बुक, एक बुक का नाम है जिसे किसने लिखा, अबुल फजल. नाउ अकबर ऑर्डर्ड वन ऑफ हिज क्लोज फ्रेंड्स एंड कोर्टियर्स अबुल फजल टू राइट अ हिस्ट्री ऑन हिज रीच. यानी अकबर के जो बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे या कोर्टियर्स का मतलब उनके दरबार के एक मेंबर थे, कौन थे, अबुल फजल. उन्हें क्या कहा कि मेरे रीच का, यानी अकबर का जो शासन काल था या राजकाल था उसके बारे में उसकी हिस्ट्री लिखो. अबुल फजल रोट द 3-volume हिस्ट्री ऑफ अकबर रीजन टाइटल अकबरनामा. यानी अबुल फजल ने जो अकबरनामा लिखी, यानी जिसके अंदर एक बुक लिखी 3 volumes में, कितने वॉल्यूम्स में, 3 volumes में, इस बुक का नाम क्या दिया गया, अकबरनामा. किसने लिखी, अबुल फजल ने. इसको 3 parts में या 3 volumes में डिवाइड किया गया. फर्स्ट वॉल्यूम डेल्ट विद द अकबर्स एंसेस्टर, यानी कि फर्स्ट वॉल्यूम जो था यहाँ लिख सकते हैं 1, 3, सेकेंड वॉल्यूम एंड दी थर्ड वॉल्यूम. फर्स्ट वॉल्यूम में किसके बारे में बताया, अकबर के जो एंसेस्टर्स हैं, उसके जो पूर्वज थे उनके बारे में डिस्क्राइब किया गया, ठीक है. इन द सेकेंड वॉल्यूम एंड द सेकेंड वॉल्यूम रिकॉर्डेड द इवेंट्स ऑफ अकबर्स रीच. यानी सेकेंड वॉल्यूम में अकबर के शासन काल में क्या क्या काम हुए, क्या क्या चेंजेस आए, उनके बारे में बताया गया. इवेंट्स ऑफ अकबर्स रीच, ठीक है, कि अकबर के शासन काल में क्या क्या कार्य किए गए, क्या क्या काम किए गए, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क और पॉलिटिकल. नाउ द थर्ड वॉल्यूम, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. The third volume is the Ain-e-Akbar. यानी जो third volume था उसका particular नाम दिया है Ain-e-Akbar. It deals with the Akbar's administration, household, army, the revenues and the geography of his empire. यानी अकबर के time reach में जो administration work था उसकी armies को कैसे manage करते थे, revenues कौन-कौन से collect होते थे, किस-किस चीजों पर tax उन्होंने लगा रखा था, उस time की geography कैसे थी. All these things are described in the third volume. Iska naam kya diya tha? Ain-e-Akbar. Okay? So these are the 3 volumes of Akbarnama written by Abul Fazl, a close friend of Akbar. Isko yaad rakhna, it is important one. You can draw this flow chart in your notebooks also.
the Raya. It also provides rich details about the traditions and cultures of the people living in India. यानी third volume में हमें Indian subcontinent में जो Indians रहते थे उनके culture और tradition के बारे में भी कुछ descriptions given. The most interesting aspect about the Aini Akbari is its rich statistical details about things as diverse as crops, eats, prices, wages and revenue. यानी Aini Akbari में बहुत सारी चीजों के बारे में description given है, like crops के बारे में इनकी statistical details सारी given है, yields है, prices है, wages and revenues है. इन सब की details कहाँ मिलेंगे आपको? In the third volume of Akbar Nama. Here you can see the picture also. Akbar receiving the Akbar Nama from Abul Fazl. Yani after completing the book Akbar Nama, Abul Fazl is giving this book to Akbar. अपने जो राजा है, अपने जो friend है Akbar को ये Abul Fazl जो है Akbar Nama book क्या कर रहा है? दे रहा है. Okay. This is an important topic. इसे अच्छे से ध्यान में रखेंगे. Now, next is a closer look Akbar's पॉलिसी. यानी अकबर के रीच में अकबर ने क्या क्या पॉलिसी इंप्लीमेंट की थी, लेट्स डिस्कस अबाउट दैट. द ब्रॉड फीचर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वर लेड डाउन बाय अकबर एंड वर इलैबोरेटली डिस्कस्ड बाय अबुल फजल इन हिज बुक द अकबर नामा. इन पर्टिकुलर इन इट्स लास्ट वॉल्यूम द आईने अकबर. यानी जो भी अकबर के रीच में जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन फीचर्स थे, जितना भी काम एडमिनिस्ट्रेशन में किया अकबर ने, वो सारे इलैबोरेटली यानी बहुत ही अच्छे से अबुल फजल ने उनकी जो बुक थी अकबर नामा उसमें इलैबोरेट किया है, उसमें डिस्क्राइब किया है. और अकबर नामा में जो थर्ड वॉल्यूम था, लास्ट वॉल्यूम आईने अकबर, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन वर्क की सारी डिटेल्स वहां पर गिवन है. अबुल फजल एक्सप्लेन दैट. अब थर्ड वॉल्यूम में एडमिनिस्ट्रेशन वर्क के बारे में लिखा क्या है, इसका एक ओवरव्यू यहां गिवन है. अबुल फजल एक्सप्लेन दैट द एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस कॉल्ड सूबास गवर्नड बाय द सूबेदार हु कैरीड आउट बोथ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फंक्शन. यानी जितना भी एम्पायर था, जितना बड़ा एम्पायर था, वो कुछ प्रोविंसेस यानी अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड था. जिन्हें क्या नाम दिया गया? सूबा. इन्हें क्या कहते हैं? सूबा. और जो यहाँ पर कंट्रोल करेगा, जो यहाँ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फंक्शंस को कैरी करेगा, दे आर नोन एज सूबेदार. ओके, जैसे मुमताज और इक्ताज हमने पढ़ा था दिल्ली सल्तनत में, सिमिलरली यहाँ पर अलग वर्ड यूज किया गया है. या प्रोविंसेस यानी किसी पर्टिकुलर रीजन के लिए क्या वर्ड यूज किया है? सूबा. ओके, और जो इनपे कंट्रोल करेगा, जो यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्स करेगा, दे आर नोन एज सूबेदार. ओके, ईच प्रोविंस आल्सो हैड अ फाइनेंशियल ऑफिसर और दीवान. ये वर्ड्स को अंडरलाइन करते जाएंगे सभी बच्चे. कि फाइनेंशियल ऑफिसर के लिए क्या वर्ड यूज किया? दीवान. ओके, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ऑर्डर इन हिज प्रोविंस द सूबेदार वाज सपोर्टेड बाय अदर ऑफिसर्स. यानी किसी भी प्रोविंस में या किसी भी रीजन में जहां इसे सूबेदार को लॉ एंड ऑर्डर एनफोर्स करना है, तो ऑब्वियसली एक अकेला पर्सन तो नहीं कर सकता. जैसे आज हमारी जो कॉलोनी है, यहाँ पे भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अलग अलग हेड्स होते हैं, अलग अलग ऑफिसर्स होते हैं. सिमिलरली जो भी एक सूबा है, जो भी एक रीजन है, वहां भी सूबेदार है, उसको कुछ ऑफिसर्स का सपोर्ट मिलता है. अब ये ऑफिसर्स कौन कौन है? सच एज मिलिट्री पे मास्टर, जिसे क्या कहा? बख्शी. यानी मिलिट्री ऑफिसर को क्या कहा गया है? बख्शी. द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल पैट्रोनेज इज नोन एज सदर. मिलिट्री कमांडर्स फौजदार एंड द टाउन पुलिस कमांडर कोतवाल. ये जो वर्ड्स हैं इन्हें ध्यान रखेंगे कि कौन सा वर्ड जो है किस पर्टिकुलर ऑफिसर के लिए यूज किया गया. ओके, नाउ नूर जहां इन्फ्लुएंस इन जहांगीर को. Now, who is Noor Jahan? Noor Jahan is the wife of Jahangir. So, Jahangir ke court mein jo Noor Jahan hai, uska kya impact tha, kya influence tha? Log usse prabhavit kaise the? Let's see. Mehrunisa married the emperor Jahangir in 1611 and received the title Noor Jahan. Yani inka naam kya tha? Mehrunisa, jinki who married to Jahangir. Jahangir se jinki shaadi hui in 1611. Aur uske baad unhe ek title diya gaya Noor Jahan. Okay,
she remained extremely loyal and supportive to the monarch. अब जो नूर जहान है ये बहुत ही ज्यादा loyal and supportive थी to her husband. और कौन है वो? जहांगीर. यानी जहांगीर के प्रति बहुत ही loyal और उन्हें हमेशा support करती थी. As a mark of honor, Jahangir struck silver coins bearing his own title on one side and on the other side inscription struck in the name of the queen Begum Noor Jahan. Here you can see it is Noor Jahan's farman, ek order hai. Yani jo Jahangir hai wo itne zyada impressed the ya fir jo bhi Jahangir ka court hai wahan par Noor Jahan se jitne bhi members hain they are very much influenced by नूर जहां. और इसी ऑनर में जो जहांगीर है उन्होंने क्या किया, जो कॉइंस है एक तरफ पे कॉइन के एक साइड पे तो जहांगीर का नाम होता था और दूसरी तरफ जो है जो रानी बेगम है नूर जहां इनका नाम वहां पर लिखा जाता है. ओके, यानी ये ऑनर की बात है बहुत ही ज्यादा. द एडजॉइनिंग डॉक्यूमेंट इज एन ऑर्डर फरमान ऑफ नूर जहां. यानी ये जो आप पिक्चर देख पा रहे हो यहाँ उर्दू में कुछ लिखा गया है ये एक फरमान है. फरमान का मतलब ऑर्डर जो कि कौन दे रहा है? नूर जहां. ठीक है, जबकि अब तक हमने दिल्ली सल्तनत में भी पढ़ा जैसे हमने रजिया सुल्तान का एग्जाम्पल देखा था वहां पर जो उसके कोर्टियर्स थे यानी जो कोर्ट के मेंबर्स थे दे वर नॉट हैप्पी एक लेडी हम पर रूल कर रही है. ठीक है, सिमिलरली नूर जहां यहाँ रूल तो नहीं कर रही बट उसका जो इन्फ्लुएंस है वो काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है. The square seal states command of her most sublime and elevated majesty Noor Jahan Padshah Begum. यानी यहाँ पर जो seal given है ये आप देख सकते हो यहाँ round में कुछ given है maybe this coin और ये हो सकता है कि कोई seal है. ठीक है, square seal जो है इस पे लिखा गया है Noor Jahan Padshah बेगम. यानी इन्हीं के कमांड से ये जो फरमान है ये जो ऑर्डर है ये रिलीव हुआ या जारी किया गया. द राउंड सील, अब ये राउंड सील के बारे में बता रहे हैं. द राउंड सील स्टेट्स बाय द सन ऑफ शाह जहांगीर शी बिकेम एज ब्रिलियंट एज द मून मे नूर जहां पादशाह बी द लेडी ऑफ दी ए. यानी इनका कहना ये है इस पे क्या लिखा गया है फरमान पे कि जो जहांगीर है उनकी जो चमक है या उनके प्रताप से ही जो नूर जहां है वो इतनी ब्रिलियंट हुई है या उनकी मतलब उनके सपोर्ट की वजह से आज उन्हें ये पोजीशन मिली है तो मे बी जो नूर जहां है वो लेडी ऑफ द एज कहलाए यानी किस युग की जो महारानी या जो भी नूर जहां वैसे भी बहुत बड़ा टाइटल था जो इन्हें दिया गया. तो इनका बस यही कहना है कि जो राउंड सील पे क्या मेंशन है कि जहांगीर की वजह से ही इतना ब्रिलियंट उन्हें ये पोजीशन मिली या आज वो इस सपोर्ट उनकी सपोर्ट की वजह से ही वो यहाँ पे है एंड मे नूर जहां पादशाह बी द लेडी ऑफ दी एज. यानी हम कह सकते हैं कि विश की जा रही है कि जो नूर जहां है वो क्या बनी रहे लेडी ऑफ दी एज यानी उस युग की महारानी बनी रहे. ओके, तो ये था नूर जहां का इन्फ्लुएंस इन जहांगीर को. नाउ Of course, nobles commanded large armies and had access to large amounts of revenue. While they were loyal, the empire functioned efficiently. But by the end of the 17th century, many nobles had built independent networks of their own. Their loyalties and the empire were weakened by their own self-interest. Now, what happens? हमने अकबर के रीजन के बारे में काफी फीचर्स पढ़े, काफी स्पेशलिटीज पढ़ी कि जो भी टैक्सेस हैं, वो भी एक अमाउंट, वो भी फिक्स किए गए. ठीक है, इतना सर्वे करने के बाद लैंड रेवेन्यू जो है कैश के फॉर्म में जो लिया जाता था दैट इज जब्त, वो भी फिक्स किया गया. यानी जो पीजेंट्स का हम कह सकते हैं काफी हद तक एक्सप्लॉइटेशन डिक्रीज हो चुका था. ठीक है, जबकि अगर आपको कहा जाए कि आपको फिक्स अमाउंट ही देना है और इतना ही जो भी कमांडर्स है मिलिट्री कमांडर्स वो आपसे कलेक्ट करेंगे इससे ज्यादा नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं जो पीजेंट्स है उनको एक हम कह सकते हैं कि चैन की सांस थी. लेकिन क्या हुआ जैसे जैसे अकबर के जो नोबल्स थे नोबल कमांडर्स थे उनकी बड़ी बड़ी आर्मी होने लगी वो लार्ज आर्मीज को मेंटेन करने लगे. इसका मतलब क्या हुआ उन्हें ज्यादा आर्मी को मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए था दे स्टार्ट कलेक्टिंग लार्ज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू. यानी उन्होंने क्या किया ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करना शुरू कर दिया यानी अपनी सेल्फ इंटरेस्ट के ताकि उनके पास क्या हो सके वो प्रॉस्परस हो सके और वेल्दी हो सके. While they were loyal, जब तक ये जो कमांडर्स थे ये मुगल एम्पायर के या रूलर के प्रति जब तक लॉयल थे तब तक सारे फंक्शंस बहुत अच्छे से बहुत स्मूथली हो रहे थे.
लेकिन जब 17th सेंचुरी के एंड तक क्या हुआ, इन चीज नोबल्स थे, इन्होंने अपने इंडिपेंडेंट नेटवर्क्स बना लिए, यानी जो भी रेवेन्यू ये कलेक्ट करते थे वो क्या करते थे, जो किसी भी एरिया से जो रेवेन्यू कलेक्ट किया गया वहां से एक्स्ट्रा रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, ज्यादा पैसे उनसे वसूलते थे, और ये बात आगे यानी एडमिनिस्ट्रेशन तक नहीं पहुंचने देते, उन्होंने अपने इंडिपेंडेंट नेटवर्क्स बना लिए थे। अपन कह सकते जैसे जासूस नहीं छोड़ते थे कि अब जासूस बना दिए, अलग अलग लोकल उन्होंने ऐसे सर्वेंट्स अपॉइंट कर दिए जो कि वहां से ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे थे। और ये क्यों हुआ, क्योंकि उनकी जो लॉयल्टी है एम्पायर के प्रति जो है वो वीक हो गई, यानी कमजोर पड़ गई। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ देयर सेल्फ इंटरेस्ट। वो सेल्फ इंटरेस्ट के लिए क्या कर रहे थे, ज्यादा अमाउंट रेवेन्यू का कलेक्ट करते, जिसकी वजह से क्या हुआ 17th सेंचुरी के एंड तक, इसीलिए जो मुगल एम्पायर है उसमें क्या हुई, इनस्टेबिलिटी आनी शुरू हो गई। By Akbar was at Fatehpur Sikri during the 1570s. He started discussion on religion with ulama, brahmans, Jewish priests who were Roman Catholics and Zoroastrians. These discussion took place in the Ibadat Khan. Now what happens in 1570s? इस time में जो अकबर है वो Fatehpur Sikri पे थे। Fatehpur Sikri में थे, क्यों? वहां पर एक discussion चल रहा था on रिलीजन, कुछ लोगों के साथ लाइक ब्राह्मण्स हैं, रोमन कैथोलिक्स हैं, इनके साथ इबादत खाना एक ऐसी जगह है जहां पर दे वर डिस्कसिंग अबाउट रिलीजन विद अकबर। अकबर बाकी अपने जो मेंबर्स हैं उनके साथ रिलीजन के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे। He was interested in the religion and social customs of different people. इसके बारे में मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी बताया था कि जो अकबर है वो डिफरेंट लोगों में या फिर डिफरेंट रिलीजन में क्या करते थे, इंटरेस्ट रखते थे। उन्हें लोगों की डिफरेंट पीपल, उनके कस्टम्स, उनके सोशल ट्रेडिशन, उनके रिलीजन के बारे में जानने में दिलचस्पी थी। अकबर्स इंटरेक्शन विद पीपल ऑफ डिफरेंट फेथ मेड हिम रियलाइज दैट रिलीजियस स्कॉलर्स हु एम्फसाइज रिचुअल एंड डोगमा वर ऑफन बाय गॉड्स। नाउ व्हाट हैपेंड, ये जो इंटरेक्शन हुआ, जो डिस्कशन हुआ रिलीजन पे, उसमें इससे अकबर को ये रियलाइज हुआ कि जो रिलीजियस स्कॉलर्स होते हैं, यानी जो धार्मिक गुरु होते हैं, जो हमेशा धर्म पे या रिलीजन पे एम्फसाइज करते हैं, वो क्या होते हैं असल में, दे एम्फसाइज रिचुअल, दे वर डॉग्मा एंड वर ऑफर बाय गॉड्स। अब ये डॉग्मा और बाय गॉड्स ये दो न्यू वर्ड्स हैं, ये क्या है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस अबाउट डॉग्मा। व्हाट इज डॉग्मा? एक ऐसा स्टेटमेंट, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बता देती हूँ, एक ऐसा स्टेटमेंट जो आपके धर्म गुरु, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल ले, कहीं कहीं आपने सुना होगा अंधविश्वास जो है आज भी इंडिया में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है, ठीक है? अगर आपको बुखार है तो बोलते हैं आप पैर ऊपर करके लटक जाओ तो आपका बुखार ठीक हो जाएगा, कि ये जड़ी बूटी खा लो तो आपका बुखार ठीक हो जाएगा, यानी ऐसे ऐसे स्टेटमेंट जिसे विदाउट एनी क्वेश्चन आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है? दैट आर डॉग्मा। आर बेसिकली ये किन के थ्रू होते हैं, रिलीजियस स्कॉलर्स जो होते हैं वो रिचुअल्स पे हमेशा क्या करते हैं, एम्फसाइज करते हैं, और धर्म के नाम पे आज आपने देखा होगा बहुत सारे इनकरेक्ट प्रैक्टिसेस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। That is dogma, a statement or an interpretation declared as authoritative with the expectation that it would be followed without question. यानी कोई भी ऐसा statement या कोई भी ऐसी चीज जो आपने कही, आप उससे expect कर रहे हो कि जो भी सामने person है वो उसे बिना किसी प्रश्न के, बिना क्या क्यों कैसे ऐसे सवाल पूछे से मान ले, ठीक है? ये basically किनके साथ होता था, जो religious scholars थे, they emphasize on ritual and dogma. Their teachings created division and disharmony amongst the
amongst his subjects. And obviously, अगर आप किसी दूसरे you know that India is a diverse country, यहाँ पर religions, different religion के लोग रहते हैं, तो अगर आप किसी दूसरे religion के respect नहीं करोगे, तो obviously it will create disharmony in the country. इससे क्या होगा? वहाँ पे शांति नहीं रहेगी, हमेशा लड़ाई झगड़े चलते रहेंगे. तो ये सारी चीजें इस discussion के बाद एक conclusion जो है अकबर के सामने निकल के आया. This eventually led Akbar to the idea of Sulah-e-Kul or universal peace. अब इस discussion से उन्होंने जो ये चीजें समझी, जो चीज realize करी, उससे अकबर को एक idea आया, जो क्या था? Universal peace का, कि सभी लोगों को equal माना जाए, सभी के धर्म की, religion की क्या की जाए? Respect की जाए. And this idea is known as Sulah-e-Kul. ठीक है, जिसको इसे क्या कहा जाएगा? Universal peace. This idea of tolerance did not discriminate between people of different religions in his reign. यानी अकबर का जो रीजन था, अकबर का जो हम कह सकते हैं उनका जो राज्य था, उसमें इस आइडिया के अकॉर्डिंग क्या था? किसी भी पर्सन को रिलीजन के बेस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, या बेसिकली सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं रिलीजन बेसिस पे सभी को इक्वली ट्रीट किया जाएगा. Instead, it focused on a system of ethics, honesty, justice, peace. That was universally applicable. यानी अब जो universal peace या सुलह equal है, ये किस किस चीज पे focus करता है? It focus on honesty, justice and peace. इन तीन चीजों पे basically ये focus करता है. That was universally applicable. यानी ये सभी universe में जहाँ जहाँ मुगल empire फैला हुआ है, इस पे ये applicable. Abul Fazl helped Akbar in framing a vision of governance around this idea of Sulah-e-Kul. यानी अबुल फजल ने अकबर की हेल्प की, जो भी गवर्नेंस है या फिर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन इसमें यूनिवर्सल पीस का जो आइडिया है, इसमें उन्हें जो फ्रेम करने की जरूरत थी, उसमें किसने हेल्प की? अबुल फजल. दिस प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस वाज फॉलोड बाय जहांगीर एंड शाहजहां एज वेल. यानी अकबर का जो ये गवर्नेंस जो प्रिंसिपल उन्होंने बनाया यूनिवर्सल का, यूनिवर्सल पीस, इट वाज फॉलोड बाय हर हिज सन आल्सो. उनके बेटे के द्वारा भी, या उनकी जो फ्यूचर जनरेशन है, उन्होंने भी इसे क्या किया? फॉलो. ओके, यस. नेक्स्ट देयर इज अ शॉर्ट टॉपिक अबाउट सुलह-ए-कुल. एक नोटिस गिवन है यहां पे कि जहांगीर अकबर सन डिस्क्राइब हिज फादर्स पॉलिसी ऑफ सुलह-ए-कुल इन द फॉलोइंग वर्ड. यानी जहांगीर ने किन वर्ड्स में अपने फादर की जो प्रिंसिपल्स है उन्हें आगे हम कह सकते हैं कि आगे उसे चलाया, या फ्यूचर जनरेशन में कैसे फॉलो किया. ओके, यू कैन रीड इट. नेक्स्ट टॉपिक, द मुगल एम्पायर इन द 17th सेंचुरी एंड आफ्टर. ओके, वी विल डिस्कस अबाउट इट इन द नेक्स्ट क्लास.